दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अपडेट, अगर आपको इंडिया का नंबर वन डिस्काउंट होगा जीरो अंदर अकाउंट ओपनिंग करना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल द बेस्ट मार्केट न्यूज। फ्रेंड, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा स्टॉक मार्केट रिलेटेड हॉट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होना चाहिए दोस्तों, देखिए दोस्तों 984 रुपीज का शेयर कल क्या होगा 10 रुपीज में होने वाला है दोस्तों। इतना बड़ा स्टॉक इतना नीचे आने वाला है, क्यों आने वाला है, कैसे आने वाला है, कौन सा कंपनी है दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ छोटे से वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तों। आज इस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, चलिए इस कंपनी में जाके बात करते हैं। कंपनी का नाम है मेजेस्को। ये जो स्टॉक है दोस्तों, इसका इसने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था कितना रुपीज में दोस्तों, 974 रुपीज में डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। और कल डिविडेंड का एक्स डेट है, मतलब कल इसका प्राइस एडजस्टमेंट होने के बाद सबको डिविडेंड मिलेगा। अगर सबको डिविडेंड दिया जाएगा तो कंपनी का पॉकेट में पैसा बहुत कम रह जाएगा, जितना पैसा रह जाएगा घुमा फिरा के मैक्सिमम इसका जो मार्केट कैप है उसका आसपास पैसा सबको देना पड़ेगा। देने के बाद पॉकेट में ज्यादा पैसा नहीं रहेगा, उसके चलते स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा। एडजस्टमेंट होने के बाद स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा। देखिए यहाँ पे 975 रुपीज स्टॉक का प्राइस है और 974 रुपीज का इसका आपका डिविडेंड प्राइस है। तो घुमा फिरा के 10 रुपीज के आसपास हो रहा, 10-11 रुपीज के आसपास हो रहा, उतना में कल ओपनिंग होगा। क्योंकि दोस्तों इसका बाद इसका पॉकेट में ज्यादा पैसा नहीं रहेगा, जितना हो रहा है उतना ही ओपनिंग होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, एक्सचेंज ने यह बात बोला अगर आज के मार्केट में स्टॉक नीचे भी आ जाता था 974 रुपीज के नीचे, तो अभी दोस्तों इसका फेस वैल्यू जो 5 रुपीज में ओपनिंग होता, तो आपको नेगेटिव होने का बात नहीं था। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में अंदर से, और एक इंफॉर्मेशन आया उसने, ये बात बोला नया बिजनेस करने का इसका कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसा कोई बात मार्केट में निकल के नहीं आया, तो आप गलत फहमी में मत पड़िए दोस्तों। इस कंपनी का मोटा मोटी जो सिलसिला खत्म होने वाला है बहुत ही जल्दी, और अभी आपको कल तो 10-11 रुपीज में ओपनिंग होगा, तो आप कल के मार्केट के लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं क्या करना है दोस्तों। लेकिन अभी के लिए जिसके पास था मैं उसको बोला था निकल जाने के लिए, इसके बेस पे कल एडजस्टमेंट होने के बाद, मतलब आपका डिविडेंड एडजस्टमेंट होने के बाद, जेहतु यहाँ पे 975 रुपीज का शेयर प्राइस है, 974 रुपीज का इसका आपका डिविडेंड प्राइस है, तो घुमा फिरा के 10-11 रुपीज हो रहा है। सबको देने के बाद सिर्फ 10-11 रुपीज रहेगा, उतना में कल के मार्केट में ओपनिंग होगा। इसके चलते दोस्तों मुझे इसको कल के मार्केट में 10-12 रुपीज के आसपास ओपनिंग होते हुए देखने को मिलेगा। ये था इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।